हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप लोग गाइज? मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ करेंसी एल्बम, जो मेरे पास में किस किस तरीके की है और मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ। मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ये करेंसी जो है ये कॉइन्स की भी है और ये इस तरीके से ये भी लगाए हुए, तो मैं सारा आप लोगों को डिटेल में बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप ये कहाँ से ख़रीदते हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ इन पर, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे पास में एल्बम है अलग अलग तरीके से, तो सबसे पहले जो मैं दिखा देती हूँ वो इस नीचे वाली दिखा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। सबसे बड़ी यही है, ये इस तरीके से है, इतनी बड़ी है कि देखिए मेरे हैंड में इस तरीके से आ रही है। अगर मैं हाथ में टच करूँ तो इस तरीके से करेंसी एल्बम ही लिखा हुआ है इसमें, और पीछे से भी इस तरीके से है। और ये मैंने सारे अमेजन से परचेज़ किया हुआ है, इवन मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने अमेजन से परचेज़ किया है। और इसमें इस तरीके से इसमें कॉइन्स लगाए हुए, इधर में आप कुछ भी जो आपके आईडी है या कुछ भी इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये इस तरीके से लगाया हुआ है। और इसमें सारी करेंसी इस तरीके से लगाए, बहुत दिन हो गए इसमें रखे हुए, इसलिए ये बहुत आपस में चिपक गए हैं, अदरवाइज़ ये इस तरीके से हो जाएगा। जैसे आज बरसात भी है आजकल, तो थोड़ा सा चिपक चिपक हो जाता है, तो ये सारे इस तरीके से इसमें मैंने लगाए हुए हैं। ये देखिए सारी करेंसी इसमें मिलेगी, वर्ल्ड करेंसी है ये। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई, इसलिए मैं सारा आपको वन बाय वन खोल के नहीं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। अगर पेजेस की बात करें तो ये देखिए इतने सारे इसमें पेजेस हैं, आप लगा सकते हैं इसमें करेंसी, और इस तरीके से ये आपको आएगी। ये वन साइड में आपको 3 नॉट्स लगाने की ही मिलेगी, कि आप सिर्फ इसमें 3 लगा सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी है। एक एल्बम मेरे पास में ये हो गई है, और इसके अलावा और एल्बम कौन सी है? एक एल्बम मेरे पास में ये हो गई है, ये थोड़ी छोटी है उससे, ये देखिए ये इससे थोड़ी सी यहाँ से चौड़ाई में थोड़ी छोटी है, ये इस तरीके से नापो, इधर से इक्वल है, इधर से इतनी छोटी है और थोड़ी पतली भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी पतली भी है। और इसमें कॉइन्स रखने की है, एक्चुअली इस कॉइन्स में और दूसरी जो कॉइन्स बुक दिखाऊंगी मैं, ये वाले, इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसके जो कॉइन्स रखने के लिए है ये थोड़े बड़ा बड़ा है, अदरवाइज़ जो मेरे पास में वो पहले वाले वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब मेरे पास में जो कॉइन्स है वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब इतने बड़े भी हैं, इतने बड़े भी हैं, तो उस बड़े साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि कुछ मैंने चांदी के कॉइन्स रखे हुए, जैसे नेपाल साइड से हो गए या कुछ है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, तो ये उसमें डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, तो इसलिए मैंने बड़ा कॉइन वाला लिया है। ये थोड़ा बड़ा साइज़ रहेगा आपका, ये देखिए ऐसा, ये आपको ब्लॉक ब्लॉक वाइज दिख रहा है, ये पूरे साइज़ रहेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं इसका दिखाऊँ आपको कॉइन्स दिखा रखने के लिए, जो ये कॉइन्स के लिए ही है, तो इसके कॉइन्स बहुत छोटे छोटे हैं, ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितना फ़र्क है, करीबन आधा इंच का दोनों साइड से फ़र्क है। तो इसमें सिर्फ मेरे छोटे छोटे कॉइन्स आते हैं, और इसमें जो मेरे हैं वो बड़े बड़े कॉइन्स आते हैं, ये देखिए इस तरीके से हैं। काफ़ी सारे इसमें पेजेस हैं, इसमें मैंने अभी तक लगाया नहीं, ये भी मैंने अमेजन से ही परचेज़ किया है, और ये जो सोचकर मैंने मंगाया था वो वही सोचकर बिल्कुल ये मुझे मिला, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग मुझे परचेज़ मिला है या किस तरीके से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉइन एल्बम्स इस पर लिखा हुआ है, बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास में आती है कि ये एल्बम आप कहाँ से परचेज़ करते, इसलिए मैंने वीडियो सोचा कि मैं बना देती हूँ। अब ये वाले कॉइन्स की बात करते, ये कॉइन एल्बम की, ये मेरे पास में 3-4 हैं एक्चुअली, एक ये है, एक ये है, और एक और है जो मेरी बेटी ले गई, और एक ये है। ये मेरे पास में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास में कॉइन्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने अभी तक इसमें लगाए नहीं, क्योंकि मेरी बेटी जब अच्छे से सो जाएगी तो मेरे को और बहुत सारे काम रहते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं सारे लगा के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, अभी तक मैंने इसमें लगाए नहीं। लेकिन जो मैंने आपको बड़े कॉइन्स की दिखाई, वो उसके अकॉर्डिंग थोड़े छोटे हैं, ये देखिए इस तरीके से इसमें ब्लॉक्स बने हुए, पेजेस भी इसमें काफ़ी सारे हैं और इस तरीके से बने हुए हैं। अब इसकी बात करें तो ये भी सेम साइज़ है, इसमें इस तरीके से मैंने कॉइन्स लगाए हुए हैं, इसमें हर तरीके से, ये देखो थोड़ा बड़ा भी है लेकिन पूरा फिट आया हुआ है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। और कुछ कॉइन्स है जो मेरे पास में इससे भी बड़े बड़े कॉइन्स है, ये देखिए आपको शायद साफ दिख रहा होगा, इससे भी बड़े बड़े कॉइन्स है, तो उसके लिए मैंने वो मंगाया है, अदरवाइज़ ये कॉइन्स तो इसमें भी परफेक्ट आ रहे हैं। ये देखिए कोई भी कितने भी खोल सकते हैं आप, इसमें इस तरीके से बहुत सारे कॉइन्स आए हुए हैं, इनमें तो लगाए हुए हैं और कुछ के मुझे लगाने हैं, अभी तक मैंने एडजस्ट नहीं किया है। ये देखिए इस तरीके से इनमें इतने सारे लगे हुए हैं,
इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा, काफ़ी वजनदार भी लग रहा है और जैसे ही भर गया है तो ऐसा नहीं कि फट रहा है इधर से, बिल्कुल नहीं। इसमें इतना यहाँ से एडजस्टेबल दे के रखते हैं कि फटेगा नहीं, ये बिल्कुल मजबूत है। और ये मैंने आप लोगों को वही जो दिखाया है कि छोटे कॉइन्स वाला है, तो ये सेम वही है। ये मैंने इसलिए मंगाया, मेरे पास में कॉइन बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये इसमें आ जाएंगे। जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये सारे मैंने अमेजन से लिए हैं, आप भी अमेजन से ट्राई कर सकते हैं। ये सारे एल्बम मैंने वहीं से लिए। इनके अलावा मेरे पास में दो एल्बम और है जो मेरी बेटी उनसे खेल रही है। मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी तो वो दो एल्बम मेरा लेके भाग गई है। ये मेरा कॉइन्स किसी उससे निकल गया है, अभी मैं इसको फिट कर देती हूँ। और ये इस तरीके से है, ये सारी एल्बम मैंने ली हुई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल बताना, और अगर आपको लेना है तो आप अमेजन साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके बाय।